नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करते हैं नवरात्रि व्रत पूजन हम कम से कम समय में कम से कम सामग्री से कैसे करें। अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, तो भी आप बहुत सरल विधि से नवरात्रि पूजन कर सकते हैं, मैया का आशीर्वाद पा सकते हैं और मैया को आप प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि पूजन आप बिना कलश स्थापना करे, बिना ज्वारे बोए भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक लकड़ी की चौकी लें, उस ऊपर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद आप चावल का आसन लगाकर मैया को विराजमान करें। उसके बाद आप जल का कलश भरकर रखें। ये कलश आपने कलश स्थापना के लिए नहीं रखा, ये कलश आपने वैसे ही जल का कलश भरकर रखना होता है। कलश को आप मौली लपेटें और उस कलश में आप 1 रुपए का सिक्का डालें। उसके बाद आप 1 कटोरी चावल की भरकर कलश को ढक दें। उसके बाद आप कलश के ऊपर चावल पर 1 कटोरी रखें। पूरे 9 दिन आपने इस लोटे को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप चावल का आसन लगाकर भगवान गणेश जी को विराजमान करें। उसके बाद आप मैया को और भगवान गणेश जी को फूलों से स्नान कराएं। उसके बाद आप चावल का आसन देकर दीपक लगाएं। बाद आप भगवान गणेश जी को और मैया को मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद आप कुमकुम से मैया को और भगवान गणेश जी को तिलक करें। उसके बाद आप मैया को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। अगर आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पुष्प अर्पित करें जो भी आपको मिलते हैं। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप माला भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप मैया को पताशे का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, पंचमेवा का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, फल का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप जल का भोग अर्पित करें। उसके बाद आप, अगर आपके पास फल, पंचमेवा, जामर, पताशे नहीं है तो आप गुड़ का भोग भी मैया को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप हवन करें। हवन के लिए आप मिट्टी का 1 पात्र लें, उसमें आप कपूर जलाकर 2 लौंग का जोड़ा समर्पित करें। उसके बाद आप पताशे का भोग अर्पित करें। उसके बाद आप आरती करें। उसके बाद आप मैया से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और अपनी मनोकामना पूर्ति की मैया को प्रार्थना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।